हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा अभी जर्नल एंट्री स्टार्ट नहीं कर रहे। एक थ्योरी का चैप्टर हमारे पास रहता है, सोर्स डॉक्यूमेंट, वो स्टार्ट करते हैं। कुछ 20-25 मिनट का चैप्टर है बेटा, आज यही फिनिश करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी मैं कुछ लिख रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ नोट डाउन करो बेटा। चलो जी बाबू, ये चैप्टर नंबर 8 होगा, सोर्स डॉक्यूमेंट। लिखना बेटा फटाफट से। लो प्यारे बच्चों, कुछ बात को समझना, सब मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा। ऑल दो जिन्होंने जर्नल एंट्री पढ़ा हुआ है ना पहले कभी ना कभी, उनके लिए समझना थोड़ा ज़्यादा आसान होगा। बाबू एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ। आप एज्यूम करो बेटा एक दुकान है, और बेटा वो दुकान 2-3 फ्लोर की है, ठीक है। और बेटा अकाउंटेंट बैठा हुआ है थर्ड फ्लोर पर, कैश काउंटर इज ऑन द ग्राउंड फ्लोर। कस्टमर एंटर होता है बेटा, कुछ सामान खरीदता है सेकेंड फ्लोर से, कुछ सामान खरीदता है फर्स्ट फ्लोर से, कुछ सामान खरीदता है बेटा ग्राउंड फ्लोर से। आता है बेटा, अपना बिल बनाता है, बिल बनवाता है कैश काउंटर पर, पैसे देता है और चला जाता है। बेटा आप कभी ये नहीं कर सकते कि अकाउंटेंट को कॉल लगाई, भाई मैंने सेल कर दी, फटाफट से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करियो। ऐसे नहीं होती बेटा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, भाई मैंने बैंक में पैसे जमा कर दिए, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करियो, कभी नहीं होता ऐसा बेटा। अकाउंटेंट वांट सम प्रूफ टू रिकॉर्ड एनी ट्रांजैक्शन। अकाउंटेंट कहता है सबसे पहले मुझे एक डॉक्यूमेंट दो जिसके बेसिस पे मैं रिकॉर्ड करूंगा ट्रांजैक्शन। और आपको बता देता हूं बेटा, यही डॉक्यूमेंट बाद में आपसे इनकम टैक्स अथॉरिटीज भी मांग सकती हैं अगर आपके केसेस लग जाएं तो। बेटा ऐसे नहीं होता बेटा कि किसी के भी कहने पर आप कॉल आएगी, वो कहेगा 4 सेल की ट्रांजैक्शन डाल दे, मैंने 5 परचेस कर लिया। कल को बेटा अगर गलती हो गई रिकॉर्ड करते टाइम, तो गलती नहीं ढूंढ पाओगे। अगर आपने ओरल कम्युनिकेशन पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की होंगी और बेटा गलती हो गई, तो गलती नहीं ढूंढ पाओगे बेटा। यू नीड सम प्रूफ, यू नीड सम डॉक्यूमेंट, वही डॉक्यूमेंट सोर्स डॉक्यूमेंट होता है बेटा। क्या होता है सोर्स डॉक्यूमेंट? आपने लिखा सोर्स डॉक्यूमेंट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन द डिटेल ऑफ अ ट्रांजैक्शन। बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसकी डिटेल देता है बेटा सोर्स डॉक्यूमेंट।
और बेटा इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लगभग 7 तो हैं, ठीक है ना। बता देता हूँ बेटा, सबसे पहले कैश मेमो। आप बेटा कैश काउंटर पर गए, आपने पैसे दिए, आप कस्टमर हो। जब भी एक बिजनेस कैश सेल्स करता है हमेशा कैश मेमो देता है आपको। कैश मेमो भी दो कॉपी में दिया जाता है बेटा, दो कॉपी में इशू किया जाता है। एक कस्टमर के लिए होती है बेटा और दूसरी आपके खुद के लिए होती है। यही कैश मेमो आप बाद में अकाउंटेंट को देते हो बेटा और वो एंट्री करता है बेटा और रिकॉर्ड कर देता है ट्रांजैक्शन की, यहाँ सेल हो गई। अगर बेटा उधार सेल हुई हो तो कैश मेमो इशू नहीं होता बेटा, तो जो इशू होता है उसको आप प्यार से बिल बोलते हो बेटा, टेक्निकल भाषा में उसी चीज़ को हम इनवॉइस बोलते हैं बेटा, ठीक है ना बाबू। और बेटा मैं बोलता हूँ, आपने आज उधार पे सेल करी बेटा, आपका एक कस्टमर आया जो होलसेलर है, आपसे आज 5 लाख का सामान ले गया उधार, आपने माल बेच दिया बेटा, आया एक महीने के बाद 2 लाख रुपए जमा करा गया। अब 2 लाख रुपए उसने सिर्फ आपको दिए हैं, कुछ नहीं खरीदा आज आपसे, तब क्या इशू करोगे। जब बेटा उधार खरीद कर गया था तो आपने बिल या इनवॉइस काटा था, ये बिल या इनवॉइस आपने अपने अकाउंटेंट को दिया और अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड कर दिया कि हाँ जी आज उधार सेल हो गए। जब वो आया आज 2 लाख रुपए जमा करा कर गया, तब बेटा आप उसे एक रिसीट देते हो बेटा। रिसीट तभी दी जाती है जब कैश या चेक रिसीव होता है किसी कस्टमर से। ये चेक या कैश रिसीव होने पे आपने रिसीट उसको भी दी, एक कॉपी अपने अकाउंटेंट को दी, वो रिकॉर्ड करेगा कि अब डेटर्स हमने 5 नहीं लेने, आज 2 लाख आ गए, अब हमने 3 लाख रुपए लेने। समझ आई बात। अभी और की भी बात करता हूँ, मेरे पास स्पेस की कमी थी। फिलहाल समझ में आया चैप्टर का बेस क्या है बेटा। कभी भी मुँह जवानी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती, ऑर्गेनाइजेशन हर चीज़ के लिए प्रूफ क्रिएट करती है ऑर्गेनाइजेशन, ताकि अगर फ्यूचर में कभी कोई गलती हो भी जाए अकाउंट्स बनाते टाइम, अगर ये डॉक्यूमेंट होंगे आपके पास तो गलती पकड़ी जाएगी। अगर ऑरली बेटा रिकॉर्ड करते चले जाओगे बेटा, फिर तो कभी अकाउंट्स ठीक बन ही नहीं सकते। समझ आया सोर्स डॉक्यूमेंट क्या चीज़ है। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा, कुछ और डॉक्यूमेंट लिख रहा हूँ बेटा, इतना नोट आपने कर लिया होगा। ये सिर्फ नाम लिख लो, इसके बारे में और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। लिखना बेटा, बस नाम लिखना है, लिख ले, अभी बताता हूँ। लो बेटा सामने देखना जरा मेरी तरफ। बेटा चेक अपने आप में एक सोर्स डॉक्यूमेंट है बाबू। जब कोई कस्टमर आपको चेक देकर जाता है तो बेटा जब आप अकाउंटेंट को वो चेक दिखाते हो तो बेटा वो चेक नंबर रिकॉर्ड करता है, किस डेट पर आया, किस बैंक का चेक आया, सब कुछ रिकॉर्ड करता है, तभी बेटा वो जर्नल एंट्री पास करता है बेटा। आपको बता देता हूँ नेक्स्ट वन इज पेन स्लिप, शायद किसी ने कभी भरी हो बेटा। बैंक में जब भी आप कैश जमा कराते हो बेटा, या जो ये चेक आया चेक जमा कराते हो, एक ही पेन स्लिप होती है बेटा, कैश जमा कराना हो चाहे चेक जमा कराना हो। इट इज़ अ प्रूफ कि बेटा पैसे जमा हो गए हैं या चेक बैंक में लग चुका है बेटा। आपने कैश डिपॉजिट कर दिया बैंक में, अकाउंटेंट को एंट्री डालनी है, जिन्होंने जर्नल एंट्री पढ़ी है उनके लिए बता रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट,
ये एंट्री डालने के लिए उसे कुछ प्रूफ चाहिए बेटा। जब आप ये पेन स्लिप देते हो कि ये देखो इस डेट पर ये बैंक की स्टैंप लगी हुई है, मैं कैश जमा करा के आऊँ, तभी बेटा वो एंट्री डालेगा जब उसके पास प्रूफ आ चुका होगा। तो बेटा पेन स्लिप भी एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसकी वजह से कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन डाली जाती हैं। ऐसे ही बेटा डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, बेटा आपको पता होना चाहिए जिन्होंने जर्नल एंट्री की है उनके लिए बात बोल रहा हूँ। बाबू एक बार सब्सिडरी बुक में भी मैंने इन दोनों की हल्की सी बात की थी। बेटा डेबिट नोट दैट सिंपली मीन्स पार्टी को डेबिट कर दो। आपको याद है जब आप परचेज करते हो उधार पे तो आप क्या एंट्री करते हो, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर का नाम या अपनी पार्टी का नाम। और जैसे ही परचेज रिटर्न करते हो अपोजिट एंट्री होती है बेटा, पार्टी डेबिट कर दी जाती है टू परचेज रिटर्न। डेबिट नोट इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर पार्टी डेबिट होती है। परचेज रिटर्न जब भी हम करते हैं बेटा, गुड्स वापस भेज रहे हैं अपने सप्लायर को, हम एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं नोन एज परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न के टाइम पर भी एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं नोन एज क्रेडिट नोट। ठीक है जी बाबू, नोट कर लिया आपने, बढ़े आगे। आखिरी कुछ बातें बेटा फिर छुट्टी। बस इतना सा ही चैप्टर है, बस मैंने तो पहले ही कहा था बहुत जरा सा चैप्टर है। बाबू 7 सोर्स डॉक्यूमेंट हैं, आपने ये पढ़ लिए। बाबू एक लास्ट टॉपिक जो मुझे कराना है, टॉपिक का नाम है वाउचर्स। अब मैं करेक्ट सीक्वेंस बता देता हूँ, ऑल दो मैं अब सुन लो, मैं जितनी भी बात अभी बोल रहा था उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट है बेटा, ठीक है ना, समझ ना आता बेटा अगर मैं झूठ ना बोलता, मैंने अभी थोड़ी बात झूठ बोली है आपको, सुनना बेटा। जब भी आप सोर्स डॉक्यूमेंट इशू करते हो हमेशा सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद वाउचर बनाया जाता है बिजनेस में, और वाउचर से जर्नल एंट्री पास होती है। मैंने थोड़ी देर पहले ये बोला था बेटा कि सोर्स डॉक्यूमेंट से जर्नल एंट्री पास होती है, नहीं कभी नहीं होती। सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद हमेशा बिजनेस में वाउचर प्रिपेयर किया जाता है और वाउचर से जर्नल एंट्री पास होती है। वाउचर क्या होता है बेटा, हर बिजनेस एंटिटी अपनी मर्जी से अपने वाउचर अपनी रिसीट बुक छपवा सकती है, ठीक है ना बेटा, हर एंटिटी छपवाती है अपने नाम से। मेरे आपको खुद बता देता हूँ, मेरे खुद के ऑफिस में वाउचर छपे हुए हैं बेटा, ठीक है ना, ठीक है ना। मैंने डबल रिकॉर्ड के लिए बेटा कहीं ना कहीं कैश घपला हो जाने से बचने के लिए वाउचर छपवाए हुए हैं। मान लो मैं ऑफिस में एबसेंट हूँ, ठीक है ना, कोई भी पार्टी कैश दे के जाती है तो बेटा क्या करते हैं, जो भी मेरा स्टाफ होता है वो सबसे पहले एक वाउचर काटता है, एक ओरिजिनल कॉपी देता है बेटा किसी ना किसी कस्टमर को जिसने कैश दिया, और बेटा डुप्लीकेट वहीं पर बने रहने देता है। मैं आता हूँ साइन करता हूँ उस वाउचर पे और कैश रिसीव कर लेता हूँ। हर पार्टी अपनी मर्जी से वाउचर बनवाती है बेटा। जनरली वाउचर दो तरीके के होते हैं बेटा, कैश वाउचर एंड नॉन कैश वाउचर। यानी कि दुनिया जान के बिजनेस की ऐसी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है जो कवर नहीं होगी बेटा। जितनी कैश की ट्रांजैक्शन होती है, जितनी भी कैश परचेज, कैश सेल्स, रेंट पेड, वेजेस पेड, कमीशन रिसीव, अगर बेटा कैश से हुई हैं, कैश ट्रांजैक्शन हमेशा कैश वाउचर से रिकॉर्ड होती हैं, और उधार की ट्रांजैक्शन हमेशा नॉन कैश वाउचर से रिकॉर्ड होती हैं। नॉन कैश वाउचर का ही एक दूसरा नाम भी होता है बेटा, ट्रांसफर वाउचर, ट्रांसफर वाउचर। और कैश वाउचर बेटा दो तरीके का होता है, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। अभी फॉर्मेट भी दिखाऊंगा, सुनना पहले बहुत आराम से समझना बेटा। कैश वाउचर कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कराने के लिए होता है, और नॉन कैश वाउचर बेटा बाकी सारी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती उनके लिए नॉन कैश वाउचर होता है। कैश वाउचर दो तरीके का है बेटा, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर क्या चीज़ होती है बेटा, बाबू हर वो ट्रांजैक्शन जो कैश पेमेंट से रिलेटेड है वो डेबिट वाउचर से रिकॉर्ड की जाती है। मेरी तरफ देखना बेटा, जिन्होंने जर्नल एंट्री पढ़ी हुई है उनको एक बात पता होगी, जब भी बेटा कैश पेमेंट होती है, जब भी कैश पेमेंट होती है कैश हमेशा क्रेडिट साइड होता है। मैंने मान लो फर्नीचर खरीदा, मैंने एंट्री क्या करी होगी, फर्नीचर टू कैश। मैंने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा, मैंने एंट्री क्या की होगी, ऑफिस इक्विपमेंट टू कैश। मैंने वेजेस पे करी, रेंट पे करा, मैंने क्या करी होगी, वेजेस डेबिट रेंट पे टू कैश। बेटा
कैश पेमेंट के टाइम पर हमेशा डेबिट वाउचर होता है इशू। क्यों बेटा? इससे क्या होगा, डेबिट वाउचर में सिर्फ आप डेबिट साइड लिखते हो। डेबिट साइड मतलब ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर, रेंट, वेजेस, ये अकाउंटेंट के पास गया। अकाउंटेंट ने देखा ये तो डेबिट वाउचर है, इसका मतलब क्रेडिट साइड में हमेशा क्या होगा, कैश होगा। तो डेबिट साइड लिखता चला जाता है बेटा, बाद में टू कैश करता चला जाता है, होगी रिकॉर्ड। एंड क्रेडिट वाउचर इज रिलेटेड विद द कैश रिसीट ट्रांजैक्शन। बेटा बिजनेस में जब भी कैश रिसीव होता है हमेशा कैश डेबिट होता है। मैंने सेल्स करी कैश के, मैंने एंट्री क्या की होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है ना बेटा। क्रेडिट वाउचर में सिर्फ क्रेडिट साइड रिकॉर्ड की जाती है, सिर्फ आप क्रेडिट साइड लिखते हो कि सेल्स। दैट सिंपली मीन्स बेटा अगर अकाउंटेंट के पास क्रेडिट वाउचर आया, उसको पता है डेबिट, तो क्रेडिट वाउचर में डेबिट हमेशा ही कैश होता है बेटा, ठीक है ना। वो क्या करता रहता है बेटा, इससे जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करता चला जाता है। समझ में आया क्या कहने का मतलब है? जिन्होंने जर्नल एंट्री पढ़ी है समझ उन्हीं को आ रहा होगा। आप सबने बोला था कि हमने जर्नल एंट्री कभी ना कभी पढ़ी है, तभी मैंने चैप्टर शुरू करने का जिम्मा उठाया। वरना मैं कल बोल चुका हूं कि जब तक मैं नहीं कराता ना प्रैक्टिकल चैप्टर, मैं कराऊंगा नहीं ये थियोरिटिकल चैप्टर, क्योंकि आपने बोला, इसी वजह से मैंने शुरू करा कि चलो कल को आप ब्लेम ना लगाओ कि एक चैप्टर आपने नहीं कराया इसकी वजह से नंबर कट गए। मैंने कहा छोड़ो, मैं क्यों ब्लेम्स हूं, मैं करा ही देता हूं। समझाई? फिर भी एक बार आपको फॉर्मेट दिखा देता हूं कि कैसा होता है दिखने में डेबिट वाउचर और कैसा होता है दिखने में क्रेडिट वाउचर। बुक दिखाना बेटा जरा मुझे, एक मिनट बाबू, आप सारे मैं बता रहा हूं, पेज नंबर निकालना 8.6, पेज नंबर 8.6। क्या पहले 8.5 निकाल लो बेटा, देखना 8.5 पर लिखा हुआ है वाउचर। वाउचर को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया, कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर का दूसरा नाम दिया गया ट्रांसफर वाउचर। कैश वाउचर के दो पार्ट किए गए, डेबिट वाउचर फॉर कैश पेमेंट, क्रेडिट वाउचर फॉर कैश रिसीट। मैंने भी बताया बेटा डेबिट वाउचर किस लिए इशू होता है बेटा, कैश पेमेंट के लिए इशू होता है, ठीक है ना। अब वो कैश पेमेंट जब भी करोगे हमेशा कैश होगा क्रेडिट साइड में, आप सिर्फ डेबिट वाउचर में डेबिट साइड लिखकर रिकॉर्ड करके भेज देते हो आगे। बाबू देखो लिखा हुआ है, जहां हेडिंग डली है डेबिट वाउचर, दीज आर प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग कैश पेमेंट सच एज फॉर कैश पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, कैश परचेज ऑफ गुड्स, कैश परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, पेमेंट टू क्रेडिटर, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। और पेज नंबर 8.6 पर सबसे ऊपर फॉर्मेट दिया गया डेबिट वाउचर का। देखना बेटा, सबसे पहले फॉर्म का नाम, एड्रेस, वाउचर नंबर, राइट हैंड साइड में डेट, और देखो डेबिट, सिर्फ डेबिट साइड लिख के आप लिखा आपने ऑफिस इक्विपमेंट कितने रुपए, 30,000 रुपए, और भेज दिया बेटा साइन करके अकाउंटेंट के पास। अकाउंटेंट क्या एंट्री मारेगा, मेरी तरफ देखना, जैसे ही वो देखेगा डेबिट वाउचर है, उसको पता है डेबिट वाउचर में कैश हमेशा क्रेडिट होता है बेटा। उसने लिखा टू कैश, देखा डेबिट क्या लिखा हुआ है, ऑफिस इक्विपमेंट, उसने एंट्री डाली ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट टू कैश 30,000 रुपए। चलो जी, समझ आई बात। एंड क्रेडिट वाउचर नीचे पढ़ो बेटा, क्रेडिट वाउचर, दीज आर प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग कैश रिसीट सच एज फॉर कैश रिसीट ऑफ इनकम, कैश सेल ऑफ गुड, कैश सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर, फॉर विदड्रॉइंग कैश फ्रॉम द बैंक। नीचे क्रेडिट वाउचर का फॉर्मेट, फॉर्म का नाम, उसका एड्रेस, वाउचर नंबर, डेट। देखो बेटा सिर्फ क्रेडिट साइड लिखी है, क्रेडिट में लिखा है सेल्स अकाउंट। दैट सिंपली मीन्स नगद सेल हुई है, सिर्फ क्रेडिट साइड लिखते हैं हम क्रेडिट वाउचर में, टू सेल्स लिखा हुआ है खाली। दैट सिंपली मीन्स एंट्री क्या की होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इतना सिंपल, ठीक है जी। और बेटा नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है नॉन कैश वाउचर और ट्रांसफर वाउचर। बेटा नॉन कैश वाउचर में क्योंकि उधार की ट्रांजैक्शन है, कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप दोनों साइड लिखते हो। देखो बेटा नीचे फॉर्मेट दिया हुआ है, लिखा हुआ है ट्रांसफर वाउचर, लिखा हुआ है डेबिट परचेज अकाउंट, क्रेडिट तिरुपति इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। आपने दोनों साइड लिखकर दे दी, अकाउंटेंट इसी के बेसिस पर जर्नल एंट्री मारता है। समझ आई बात, चैप्टर खत्म। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।